करिश्मा, पॉपकॉर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाय करिश्मा, हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे, अभी एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था आपसे रिलेटेड, तो आपका क्या टेक था उस आर्टिकल पे? एक्चुअली पहली बात है, क्या किसी ने मुझे बताया नहीं क्या ये आर्टिकल आने वाला है? सचिन पापा और सुप्रिया मम्मी ने मुझे फ़ोन भी नहीं किया बताने के लिए, और आर्टिकल में बहुत सारे चीज़ें थे जो सही नहीं थे, तो इसीलिए मैं गई थी मिड डे पे और मैंने उनको बताया क्या नहीं मेरा साइड ऑफ द स्टोरी क्या है एक्चुअली, तो इसीलिए ये सब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी बन गया है। करिश्मा, क्या था आपके साइड की स्टोरी जो थी? सी सुप्रिया मम्मी एंड सचिन पापा, उन्हें दिखाया जैसे क्या मैं किडनैप्ड हो गई, मेरे डैड ने मुझे ले लिया, लंदन वापस ले लिया, ये वो। Actually, that was not true at all. I was never kidnapped. I was asked by Sachin Papa to leave. That's not once, but it's twice. When I came back also to Bombay, main yahan se 2 saal se yahan hu, aur when I came, I stayed with them for 6 months. And again, I was asked to leave. They made it sound as if their family is adhura without me. But I never felt that they wanted me in the family. On top of that, they wrote about my mother's health, and that was not very kind of them to do that. So my side of the story is my father never kidnapped me, and it was never a legal adoption. I think that needs to be made assured as well to the world. It was never a legal adoption. It was an emotional family bonding. That's it. It was never legally adopted. They've also made it sound as if I've come here and tried to scrounge off them, tried to get my foot into this industry by using them. लेकिन मैंने कभी उनको पूछा नहीं क्या मुझे help कीजिए, मुझे ये ऐसा चाहिए, लेकिन I just wanted family, I just wanted love. That's all I've ever wanted from them. करिश्मा, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? उन्होंने आपको मतलब adoption, जैसे आप कह रही हैं कि legal adoption नहीं था, तो कब आपको पता चला था कि आपको अडॉप्ट कर रहे हैं वो, या ये शुरू कब हुआ था? ये कभी मुझे पता नहीं चला कि ये अडॉप्शन है। मैं मेरे डैडी से मिलती थी, मेरे बायोलॉजिकल फादर और मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स से, मैं दोनों के घर पे रहती थी, एक को छोटे पापा एक को बड़े पापा बोलती थी, तो इसीलिए कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये लीगल अडॉप्शन है या अडॉप्शन कुछ है। आई थॉट इट्स लाइक फैमिली फ्रेंड्स and closeness. They were looking after me and I felt that they were a family. That's it. आपके डैड एक रेस्टोरेंट चलाते थे? जी हाँ। और शायद सुप्रिया और सचिन ने आपको वहीं देखा था, वहाँ आपको बहुत पसंद करा था, और फिर वहीं से आप लोग के में, तो ये दोस्ती किस तरह से बढ़ी थी आपके डैड में और सुप्रिया सचिन में? पहले डैड और सचिन पापा बहुत अच्छे दोस्त थे, और सुप्रिया मम्मी भी फैमिली में आती थी, मतलब दे यूज़ टू कम अ लॉट टू द रेस्टोरेंट एंड मिंगल विद माई फादर। माई फादर मेड अ लॉट ऑफ फिल्मी फ्रेंड्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो सुप्रिया मम्मी वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट मी बींग अलोन ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम। दे वर फ्रेंड्स, इट वॉजंट दैट शी जस्ट सॉ मी, शी न्यू द स्टोरी, शी न्यू अबाउट माई मदर्स हेल्थ, दैट माई मदर वॉज नॉट वेल। तो उनने पहले बोला कि अच्छा ठीक है, हम उसकी देखभाल करेंगे। इट वॉज नेवर दैट वी विल टेक हर, यू नो। तो उनकी पहली दोस्ती थी, जान पहचान थी, और एक्चुअली डैड इज़ ऑलवेज टेकन सचिन पापा एज अ स्मॉल यंगर ब्रदर। दैट इज़ द वे इट वॉज। इट वॉज नेवर दैट यू नो यू टेक माई डॉटर, आई डोंट वॉन्ट हर एनी मोर। दैट्स द वे इट साउंडेड। तो क्या वो आपको, जब उन्हीं ने कॉन्टैक्ट करा था, आपको बहुत प्यार करते थे वो लोग जब आपको देखा पहली बार, तो क्या उसके बाद आप लोग मिंगल, ये लोग मिंगल ज़्यादा होने लगे थे? जी, उनकी रिलेशनशिप के बारे में अभी मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी उस वक्त, मैं तो 3 साल की थी, लेकिन जैसे मैंने देखा कि वो फैमिली जैसे ही थे। मुझे पता नहीं क्या पहले जैसे मेरे आने से पहले वैसे ही थे या मेरे आने के बाद, लेकिन जैसे मैंने देखा क्या वो बहुत करीब दोस्त थे और फैमिली जैसे ही थे। करिश्मा, सचिन का ये कहना था कि वो आपके डैड ने उनको हैंडओवर करा था वैष्णो देवी, वो कहीं जा रहे थे, तो उसके बाद फिर वो आपको ले गए उनसे स्नैच करके, ये उनके इस तरह के वर्ड्स थे, तो उसके बारे में आप उसको जस्टिफाई करेंगी कि उसको आप एकदम
रिजेक्ट कर देंगी, क्या बोलेंगे उस बारे में आप? जी वैष्णो देवी के बारे में जब भी आप बोल रहे हो क्या मुझे हैंड ओवर किया, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ हैंड ओवर बारे में कुछ बात नहीं हुई, ऐसे ही था क्या पापा ने बोला उनको और बहुत बार बोला क्या ये आपकी बेटी है, किट्टू है, और जैसे आप चाहते हो आप उसको बड़ा कीजिए, वैसे ही बोला था। हाँ, लेकिन सचिन पापा ने मुझे रिजेक्ट किया, उन्हें मुझे बोला 2 साल के बाद क्या घर जाने के लिए, क्या हम तुम्हें चाहते नहीं है, क्योंकि बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज थी, मेरी माँ हॉस्पिटल से वापस आ गई वो, और वो भी प्लान कर रहे थे श्रिया के, यू नो, श्रिया के लिए वो, सो इसीलिए यू नो आई वॉज सेंट बैक होम, इट वॉज नेवर किडनैप्ड, मेरे फादर ने मुझे कभी स्नैच नहीं किया उनसे, कभी नहीं किया ऐसे, एंड दैट इज़ द वन थिंग दैट हर्ट मी द मोस्ट, वो मुझे बहुत बहुत यू नो हर्ट महसूस हुआ कि कैसे मेरे डैड के बारे में ऐसे बोल सकते थे, मेरे डैड ने कभी मुझे ऐसे नहीं किया, मुझे स्नैच नहीं किया, मुझे किडनैप नहीं किया, सचिन पापा ने उन्हें 2 साल के बाद बोला कि अभी यहाँ पर रहने का नहीं है। इसमें सुप्रिया जी का क्या रोल था, इस पूरे जो चल रहा था इंसिडेंट, उसमें सुप्रिया जी का क्या रोल था आपके साथ? सुप्रिया मम्मी हमेशा के लिए मेरी छोटी मम्मी होगी, आई लव हर, मैं सचिन पापा से भी बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें मुझे बहुत प्यार दिया जब भी मैं छोटी थी, लेकिन जब भी मैं वापस आई 2 साल के बाद मुझे लगा क्या मेरे लिए ये फैमिली में जगह नहीं है, यू नो आई मीन 2 साल के बाद नहीं, मतलब 12 इयर्स के बाद मैं आई, और मैं उनके साथ 6 मंथ्स के लिए रह रही थी, और मुझे लगा क्या बहुत कोल्ड था सुप्रिया मम्मी के साइड से, सचिन पापा के साइड से थोड़ा बहुत वार्म था, लेकिन सुप्रिया मम्मी ने मुझे कभी एक्नॉलेज नहीं किया। करिश्मा, आप बॉम्बे आई हैं तो क्या बॉलीवुड आपकी उसमें है, नज़र में? जी बॉलीवुड मेरी नज़र में, किसकी नज़र में नहीं है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पहले यहाँ आई थी मेरे फैमिली से मिलने के लिए, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया हाँ मुझे यहाँ ही रहना है, मुझे बॉलीवुड ज्वाइन करना है, मुझे टीवी ज्वाइन करना है, लेकिन उनसे थोड़ा डिटैच होने के बाद मैं मेरे क्लासेस कर रही हूँ, मेरी हिंदी मतलब इतनी अच्छी नहीं है अभी, तो इसलिए मैं हिंदी क्लासेस ले रही हूँ, डांस क्लासेस ले रही हूँ, ड्रामा क्लासेस ले रही हूँ, तो मैं अपने आप को ट्रेन कर रही हूँ बॉलीवुड अप्रोच करने के लिए। कोई मटेरियल एफर्ट आपने अभी करा है, मतलब किसी प्रोड्यूसर से आप जाके मिली हैं आज सच इस तरह से अभी? जी आई मीन थोड़े बहुत प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिली हूँ मैं, लेकिन अभी तो आज तक मैंने सचिन पापा और सुप्रिया मम्मी के कॉन्टैक्ट्स के साथ नहीं गए, उनके नाम से नहीं गए, मैं अकेले गई क्या मैं एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ, क्या मेरे पास कोई बैकिंग नहीं है, फाइनेंशियल या सपोर्ट उनका कभी नहीं ले रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम लगा। नाउ अभी उनने न्यूज़पेपर्स पे जाकर और मैगजीन्स पे जाकर ये सब किया, तो मुझे लाइमलाइट पर आने की यू नो ये दिए, तो मुझे ज़्यादा करके प्रोड्यूसर्स कॉल कर रहे हैं अभी मुझे, म्यूज़िक वीडियोस और इंटरव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें अभी मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं है क्या मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, मैं सिर्फ मेरा फैमिली नेम आई एम ट्राइंग टू क्लियर दैट बस। जी करिश्मा, हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस आपको बहुत ज़्यादा होंगी सचिन और सुप्रिया से कि वो आपको अच्छे से मिलेंगे, लेकिन फिर आपने ये आर्टिकल पढ़ा तो आपको क्या चोट पहुँची ये पढ़ के? मुझे ये आर्टिकल पढ़ने के बाद बहुत चोट पहुँची है मतलब उनसे, पहली बात है क्या मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो ऐसे करेंगे, मेरे अडॉप्शन के बारे में बात करेंगे, मुझे लग रहा है क्या उन्हें मुझे यूज़ किया सिंपथी वोट्स लेने के लिए, नचपली के लिए, और मेरे बारे में, मेरे अडॉप्शन के बारे में, मैं यहाँ इंडिया में रहती हूँ, मैंने किसी को बताया नहीं मेरे अडॉप्शन के बारे में, और ये आर्टिकल पढ़ने के बाद कितने लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा क्या कौन है तुम्हारा पापा, हु इज़ योर फैमिली, आई मीन पहले मुझे बताना चाहिए था, मैं 2 साल से मैं यहाँ हूँ, मेरा नंबर एक बार भी बदला नहीं, तो मुझे क्यों नहीं फ़ोन किया, बताया क्यों नहीं, अगर वो सच में सिर्फ मुझे चाहते हैं
और ये फेम नहीं चाहते तो मुझे फ़ोन करके बात कर सकते थे, लेकिन उन्हें न्यूज़पेपर पे गए, दे कॉन्टैक्टेड द न्यूज़पेपर्स। उन्हें कभी सोचा नहीं कि मैं उनकी बेटी हूँ, मैं एक एक्सेसरी हूँ। वो क्या कभी उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की, जैसे कि आप कहने की कोशिश नहीं करी, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि आपसे सुप्रिया और श्रेया लंदन में मिली थी। जी, और सचिन पापा भी मिले थे। वेरी नाइसली इट वाज रिमूव्ड। सचिन पापा भी मुझे लंदन में मिले थे, वो था 1998 में। और उसके बाद आई वाज 12-13 ईयर्स ओल्ड, मैं उनको कैसे कॉन्टैक्ट करूँ? अभी वो बोल रहे क्या मुझे हंट किया गया था और लंदन पे मुझे हंट करके मुझे मैं मिल गई, ऐसे बोल रहे। फिर 98 से आज तक क्यों नहीं फ़ोन किया? क्या उनको आपका एड्रेस पता था, फ़ोन? जी हाँ, मैं मुझे लंदन आकर मिले, मेरे डैड के रेस्टोरेंट में बैठ रहे थे। मेरे डैड ने भी एक रात के लिए मुझे सचिन पापा के साथ जाने दिया, मेरा नंबर था, सब कुछ था उनके पास। 98 तक आज तक क्यों नहीं फ़ोन कॉल आया? मुझे क्यों यहाँ आना पड़ा था जब मैं 18 साल की थी? मुझे यहाँ क्यों आना था उनको ढूंढने के लिए? अगर वो मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं तो 98 से मेरे से कांटेक्ट क्यों नहीं रखा? करिश्मा, आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ जो चल रही है, जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो अच्छे से बिहेव करेंगे, उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट भी नहीं किया, तो इन सब के पीछे क्या रीज़न रहा होगा? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। मुझे लगता है क्या बहुत साल बीत गए, क्या अभी उनके दिल में जैसे पहले जैसा प्यार नहीं रहा? आई थिंक श्रिया भी बहुत अनकम्फर्टेबल थी मेरे प्रेजेंस से, और मैं सच में श्रिया जी से, सचिन जी से, सुप्रिया जी से सबसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे जैसी मेरी दोस्त है। मैं आई से बहुत प्यार करती हूँ। वो बोलते क्या मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं होगा, लेकिन ऐसी चीज़ें भूल नहीं सकते। करिश्मा, क्या आपको सुप्रिया जी के प्यार में भी वो वार्मथ नज़र आई कि नहीं आई जो पहले थी? नहीं आई। हाँ, श्रिया के लिए नज़र आई, मेरे लिए नहीं। तो क्या कुछ आप मेंटल ब्लॉक आपके दिमाग में आ गया था श्रिया के खिलाफ? एक होता है नहीं, कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आई अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज क्या वो उनकी रियल बेटी है, और जो उसको मिलेगा मुझे कभी नहीं मिलेगा, और मैं चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि शी मस्ट कम फर्स्ट। जी करिश्मा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो उनकी रियल डॉटर है, वो जैसे उनको प्यार करते थे, तो आप तो उनको अपने जितना रियल फादर को प्यार करती थी उतना ही आप भी उन्हें प्यार करती थी, तो आपको उतना एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए था क्या? जी नहीं, आई मीन लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करना है, वो अपनी रीजंस है। मेरे लिए वो मेरे छोटे पापा थे, और अगर वो मुझे नहीं समझते क्या उनकी असली बेटी जैसा, तो मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई गॉट टू लव हिम, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। करिश्मा, कुछ आपकी लाइफ में इस तरह के रिग्रेट्स हैं कि काश आप उनके पास गई ना होती, या आप रिग्रेट नहीं करती? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि आज मुझे पता चल गया क्या जो लोग आपके फैमिली हो सकते हैं वही लोग आपको छोड़ सकते हैं, और जो लोग आपके दोस्त हैं जो ब्लड नहीं है, और हाँ सचिन सुप्रिया मम्मी मेरे ब्लड नहीं थे लेकिन जैसे ही थे उनने मुझे छोड़ दिया, लेकिन आज मुझे पता चल गया क्या फैमिली क्या है।